आप देख रहे हैं BHBC News। फ्रांस के अरबपति कारोबारी और रफल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी का मालिक ओलिवियर दसॉल्ट की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि ओलिवियर दसॉल्ट की मौत हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शोक जताया और ट्विटर पर लिखा, ओलिवियर दसॉल्ट फ्रांस से प्यार करते थे। उन्होंने बिजनेसमैन, स्थानीय निर्वाचित अधिकारी, कानून निर्माता, वायुसेना के कमांडर के तौर पर देश की सेवा की। उनका आकस्मिक निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना। बता दें कि दसॉल्ट की ही कंपनी राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण करती है। दसॉल्ट फ्रांस की संसद के मेंबर भी थे। फ्रांस के उद्योगपति सर्ज दसॉल्ट के सबसे बड़े बेटे और दसॉल्ट के संस्थापक मार्केल दसॉल्ट के पोते ओलिवियर दसॉल्ट की आयु 69 वर्ष थी। राजनीतिक कारणों और हितों के टकराव की वजह से ओलिवियर दसॉल्ट ने बोर्ड से अपना नाम वापस लेने का फैसला किया था। गौरतलब है कि फोर्ब्स की 2020 की सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में ओलिवियर दसॉल्ट उनके दो भाई और बहन के साथ 361वां स्थान मिला था। दसॉल्ट समूह के पास एविएशन कंपनी के अलावा ली फिगारो अखबार भी है। वो फ्रांस की नेशनल असेंबली के लिए साल 2002 में चुने गए थे और फ्रांस के ओइस एरिया का प्रतिनिधित्व करते थे। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद दसॉल्ट की संपत्ति करीब 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ओलिवियर दसॉल्ट के अलावा पायलट भी मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओलिवियर दसॉल्ट रविवार के दिन छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर नमार्डी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद उनकी मौत हो गई। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।